आगे कौन खड़े हैं? भाईजान आज आप खूबसूरत लग रहे हैं। मेरी कॉल का इंतजार कर रहा था, डिस्प्ले करानी है।
ये कौन है यार? तारक बैटरी लेके आ, बैटरी तारक मोबाइल थोड़ा पीछे कर, थोड़ा पीछे आ गया कैमरा लेके। जबरदस्त यार, एक्सक्लूसिव ये अभी नाजम भी मांग रहा है, मैंने कहा यार एक्सक्लूसिव है, मैं नहीं दे सकता। दफ्तर से जाके वो कह रहे हैं ले ली, इधर पड़ा हो, इधर पड़ा हो। कैमरा सा I'm going to go to the hospital.
पाकिस्तान के अवाम के सामने, पूरी दुनिया के अवाम के सामने आ गया है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब में उनको बुलाया गया, जरदारी साहब ने कोई कॉल नहीं दी। जरदारी साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी वाटर कैनन था। आज अगर हम अपने कायद के साथ इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद की सड़कों पर चलते हैं, पुरअमन चलते हैं, तो फिर ये गैर जमहूरी है। इमरान खान, गौर करो, अपने रवैये पर गौर करो, अपने आमराना रवैये पर गौर करो। तुम अगर इस्लामाबाद को सील करते थे, तुम पीटीवी पर हमला करते थे, तुम वजीर आजम हाउस पर हमला करते थे, तुम पार्लियामान के ऊपर हमला करते थे, लेकिन आज पीपल्स पार्टी के ये जमहूरी लोग, पुरअमन लोग, पुरअमन ना, आंसू गैस के शल लगाना, अपना चेहरा देखो। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं ऑन कर रहा हूं कि तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं। तुम मजीद अब नहीं रहोगे, हम जुल्म बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन याद रखो कि जो तुम बो रहे हो कल तुम्हें काटना पड़ेगा। बिलावल पाकिस्तान का लीडर है, बिलावल किसी की बिसाखी पर चलने वाला नहीं है। बिलावल से पाकिस्तान के अवाम मोहब्बत करते हैं। वो बेनजीर भुट्टो का बेटा है, वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा है, और तारीख गवाह है, जो कोई भी पीपल्स पार्टी से टकराया वो पाश पाश हो गया, जो भी आया वो खत्म हो गया है। और तुमने आज रोका है, हम बार बार आएंगे। तुम्हारी जेलें, तुम्हारी हथकड़ियाँ, तुम्हारी वाटर कैनन, तुम्हारा आंसू गैस, तुम्हारी गोलियाँ, तुम्हारा लाठी चार्ज हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। आखिर मैं इन पुलिस वालों को से मैं कहूँगा कि बेटा आप हमारा रास्ता ना रोको, हम तो आपके बच्चों के खैर खा हैं, हम आपकी तनख्वाहों में डबल इजाफा करने वाले हैं, आपकी तनख्वाहों को डबल करने वाले हैं, हम आपके हैं, हमारा आपके साथ झगड़ा नहीं है, आप रास्ता दे दो हमें, मैं तुम्हारा वजीर आजम रहा हूँ, मेरा रास्ता ना रोको। भाई साहब ये बताइएगा, चेयरमैन नेब की जो है वो वीडियोस भी सामने आई है, उसके बाद क्या उनका जवाब रहता है इस ओहदे पे रहने का? हम किसी की जात पर इस वक्त अटैक करना नहीं चाहते, लेकिन हम ये समझते हैं ये भी इमरान हुकूमत की, ये भी तब्दीली हुकूमत की कोई साजिश नजर आती है, उसकी तहकीक होनी चाहिए। कारकुनान को तो हमने कॉल नहीं दी, तो हर जगह रोका हुआ है। ये इन्होंने कहा है कि आज इस्लामाबाद में चिड़ी भी पर नहीं मार सकती। हम पहुंचे हैं, हमारे लोग रास्ते में हैं, गिरफ्तारियां तुमने की हैं और करो, हमें भी गिरफ्तार करो। अगर मेरे वर्कर्स को गिरफ्तार करते हो तो आओ, मैं खड़ा हूं, मुझे गिरफ्तार करो, बुज़दिलो मुझे गिरफ्तार करो, हमारे एमएनएस को गिरफ्तार करो, हमारे सेनेटर्स को गिरफ्तार करो, और कल के लिए तैयार हो जाओ, कल के लिए तैयार हो जाओ, कल के लिए तैयार हो जाओ।
ہم لکھو بلاول تیرے جان سار بلاول تیرے جان سار عمران خان تم تو میڈیا کی آزادی کے بڑے علم بردار بنتے تھے کہاں گیا تمہارا وہ دعویٰ آج میڈیا پر آج فوٹوگرافر کو مارتے ہو آج میڈیا کے کیمرے توڑتے ہو آج ان پر ظلم ستم ڈھاتے ہو اس لیے کہ تم حکومت پر ہو یاد رکھو ادھر سے راستہ نہیں ہے زخم آیا آپ کو مارا ڈنڈوں سے یہ دیکھو آنسو گیس اور ہمارے بہت کارکن زخمی ہیں بہت زیادہ مارا ان کو اور ماہ رمضان کے مہینے میں مارا ہے یہ یزید کی حکومت ہے کیا مسلمان نہیں ہے اس نے ہمارے لوگوں کو بہت مارا ہے نہیں ہے آنٹی نے وہ گیس پھینکی ہے گرم پانی پھینکا ہے یہ ہندو کا ہندو کا مسلمان دے رہے ہیں ہندو کا کھانے میں پوائنٹ کیا ہے کو سے لاٹھی دی ہے پیچھے آ جاؤ اے نکلو اے بچو نکلو نکلو وہ بول رہے ہیں چلو باہر آ جائے ہمارا عمران خان سن لو جس دن ابے بلاول نے کال دے دی خدا کی قسم ہم سر پہ خون باندھ کے آئیں گے یہ لاٹھی یہ گولی بنا کے اس نے کہا ہے دارو کی عزت کے لیے ادھر کو شرم نہیں آتی کرنا ہے خدا کے لیے اور عمران اور چینے دو چینے اور چینے دو اس نے کہا کہ دور میں تم نے کسی کی عزت نہیں کیا پروایا اس کو پنگے کو اس کا شاگے پیچھے ہے ہی کوئی نہیں ہے بھائی جان ادھر لے آ